फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनने, उसके लिए भी जमीन चाहिए। कुछ को मकान मिल गए दुलार में, कितने लोगों को दुलार में, कितने पीएम आवास के स्वीकृत हुए? चौबीस को मिले हैं और आवास प्लस का भी सर्वे किया है, तो 568 लोग और हैं जिनको नहीं मिले हैं। तो अब 568 को जो आवास प्लस की सूची है, क्रमशः हर साल 3 साल में हमारी कोशिश होगी कि कुछ को इस साल, कुछ को अगले साल, कुछ को उसके बाद वाले साल मकान के लिए राशि आवंटित कर दी जाए, ताकि सिर छुपाने की जगह हो जाए। तीसरी चीज, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की। अब स्कूल फिर से खुल रहे हैं। हमने ये तय किया कि किसी भी जाति के गरीब हो, अगर वो पढ़ने में तेज है, संबल योजना में हमने प्रावधान किया था कि उन बच्चों को अगर उनकी पढ़ाई की फीस और अगर उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होता है, तो गरीब पढ़ा नहीं सकता, तो वो पढ़ाई की फीस भी जो प्राइवेट में बहुत ज्यादा होती है, वो फीस भी माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएंगे। ये योजना हमने बना के उस पर काम करना चालू कर दिया है। और एक है जरूरी चीज, इलाज की व्यवस्था। उसमें भी आयुष्मान कार्ड बनाने का हमने अभियान चला रखा है। अभी आयुष्मान कार्ड, यहाँ मुझे बताया है कि 478 आयुष्मान कार्ड बने हैं। आयुष्मान कार्ड का मतलब समझ लें, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई, उसमें 60% पैसा प्रधानमंत्री जी देंगे, 40% मैं दूंगा। और अगर कोई बीमार हो जाता है, किसान हो, गरीब हो, तो सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल में भी अगर इलाज कराना पड़ता है, तो 5 लाख रुपए तक के हर साल इलाज की व्यवस्था सरकार करेगी, ताकि गरीब का इलाज हो सके। ये रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम, ये जरूरत है हमारी, उसकी कोशिश करेंगे। आपने जो ज्ञापन दिए हैं, सरपंच साहब ने भी दिए हैं, उन पर यहां मुझे बताया कि खंडवा रोड कॉलोनी से शासकीय नहर तक सुदूर संपर्क सड़क चाहिए। तो ये सुदूर संपर्क सड़क ये स्वीकृत हो गई है, तो ये स्वीकृत हो चुकी है। दुलार में ग्राम पंचायत भवन की डिमांड भी आपकी है। पंचायत भवन तो होगा यहाँ नहीं है, तो यहाँ नया पंचायत भवन लगभग 20 लाख रुपए की लागत से यहाँ बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त पेयजल, पीने का पानी कहाँ से आता है? पीएचसी वाले हैं क्या? पीएचसी वाले अपने हैं, ये दुलार में पेयजल की जब स्वीकृत है ना, आप मेरी बात सुन लो, इसीलिए तो मैं आया हूँ यार। मेरे आए को नहीं काम चल जाता, मामा की जरूरत क्या थी? यहाँ 96 लाख रुपए की पेयजल की योजना हम स्वीकृत कर रहे हैं। पानी की टंकी बनेगी, पाइप लाइन बिछेगी, और पाइप लाइन बिछा के बाहर नहीं, घर के अंदर टोटी वाला नल लगा के, ऐसी टोटी के खोलो तो घर घर पानी, मटका घड़ा भर जाए। उस योजना को यहाँ के लिए स्वीकृत किया जा रहा है, ताकि हमारी बहन और बेटियों को बाहर हैंडपंप पर पानी भर के ना जाना पड़े। आपने जो और भी ज्ञापन दिए, उन पर भी आगे कार्रवाई करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बेटी मेरी वहां पे है, पानी गिर रहा, उसको इधर जाओ बेटी, ठीक नहीं जाए, और उनको अगर लाभान्वित करना तो जल्दी लाभान्वित कर दे। बोलिए भारत माता की। सर्टिफिकेट दे मेरे पास, पकड़ पकड़ पकड़। इसके पश्चात उत्तमपुर आएगा, उत्तमपुर में सभा रहेगी।
चलो 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 रोको भाई रोको ये उल्टा फिर भागता ना ये आदमी हाँ बैठ गए चलो 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 भाई चलो हम यहाँ पर आ रहे हैं आज का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन आंधी में तूफान है आंधी में तूफान है आंधी में तूफान है हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन आंधी में तूफान नारायण पटेल जी माननीय खंडवा विधायक आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी हम सबके मंच पर उपस्थित हो चुके हैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि वो मंच के सामने आ जाए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर पधार चुके हैं हमें स्वागत के लिए राजपाल सिंह तोमर जी आप भी मंच पर आए स्वागत के लिए मैं हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय मुकेश पटेल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें अंदर आइए अंदर आइए इसके साथ ही यहाँ की महिला सरपंच और जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि से निवेदन करूंगा वो भी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें उसके पश्चात मैं हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राम दामोदर जी के स्वागत के लिए मैं हमारे जयपाल सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा वो आए और हमारे लोकप्रिय विधायक जी का स्वागत करें हमारे खंडवा के विधायक आदरणीय श्री देवेंद्र वर्मा जी मैं किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष आदरणीय गंगाधर पटेल जी से निवेदन करूंगा वो आए और हमारे लोकप्रिय विधायक जी का स्वागत करें मंदाता के विधायक आदरणीय नारायण पटेल जी आपके स्वागत के लिए मैं राजेश पटेल जी से निवेदन करूंगा आप आए और माननीय नारायण पटेल जी का स्वागत करें आज यहाँ के सरपंच साहब राकेश महाजन जी से निवेदन करूंगा वो आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें आदरणीय आदरणीय राजेश पटेल जी से निवेदन करूंगा वो हमारे
पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश महामंत्री संतोष राठौर जी का स्वागत करें। माननीय मिश्रीलाल पटेल जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय सेवादास पटेल जी का स्वागत करें। अब मैं स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश को समृद्ध खुशहाल और सर्वगुण बनाने के संकल्प के साथ इस मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के प्रण के साथ निकले हैं और मध्य प्रदेश के बेटे बहनों के भाई बच्चे बच्चियों के मामा यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा वो आए और हमें संबोधित करें। ये आवेदन इधर दे देना भैया, भैया का भी लेके दे दो, ये आवेदन लेके दे दो तो तुरंत ही आराम से ले लो, जल्दी मेरे पास पहुंचा दो बेटा। अव्यवस्था हो जाएगी तुम दे दो ना, मैं यही दे रहा हूँ, मैं यही दे रहा हूँ ना, मुझे जल्दी दे दो, मेरे पास भी आओ जल्दी से, ये मुझे दे दो, यहाँ जाओ। लो, लो।